पति की नहीं बहुत ही बढ़ाई। ओ मियां गफूर, अरे कहां मर गया? भोर जब यहां से गुजरा था तब भी तेरा ये बैल यही बंधा हुआ था, और अब सूर्य नारायण खोपड़ी पर विराजमान है फिर भी यही अवस्था। पंडित जी, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। अरे हट, बड़ा आया बुरा वक्त वाला। धूर्त, कम से कम इसे छांव में बंधवा कर भूसा तो दे ही सकता है। जय हरी जय हरी, तो अब तेरे पास भूसा भी नहीं है? अरे पापी, अपने पेट की आंख को शांत करने के लिए खा लिया या बेच दिया? अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। पंडित जी, दरअसल जमींदार जी ने इन दिनों धान के गठों में कटौती लगान दे के जो कुछ भी बचा पाया हूँ उसी में गुजर बसर कर रहा। इन दिनों मेरा महेश भी बहुत कमजोर हो गया है। मालिक, जमींदार जी से कह के थोड़े भूसे का इंतजाम करवा दीजिए। अरे हट नीच, इसे हटा, अन्यथा ये किसी को अपने सिंघों से मृत्यु के दर्शन करवा देगा। जय हरी जय हरी। अब्बू, फिर वही बात, आपको पता है ना इससे छत गिर जाएगी। खैर, आप भीतर आकर खाना खा लीजिए। क्या? भाग बेटा भाग, देख किसी के खेत में तो नहीं चला गया। काका, महेश कहाँ है? खुद के लाले पड़े हैं और खूंटे से बैल मांगने का शौक। सरकार, ये बैल ही है सारे फसाद की जड़। हुजूर, मेरे महेश की खता माफ करें। देखिए देखिए सरकार, कमीने ने जानबूझकर हिंदुआना नाम रखा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। या अल्लाह, ना बरगलाओ पंडित जी सरकार को। होश की दबा कर बेवकूफ, बंद कर अपनी ये गलीज जबान। मुनीम जी, इसके बैल को बेचने का इंतजाम करो, हम नुकसान वसूल करेंगे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्यों मियां गफूर, क्या सोचा है? पंडित जी, ये मेरी बेटी अमीना के निकाह के कड़े हैं, इससे मेरा महेश जरूर वापिस आ जाएगा। अरे भक्त पगला, ये दो हल्के से कड़ों का बाजार में क्या मोल? तू एक काम कर, इन्हें मुझे सौंप दे, मैं साहब से बात करूंगा, और बाकी तो तू मेरा मन जानता ही है। जय हरी जय हरी। अरे पंडित जी, आप यहां? सरकार, कल रात स्वप्न में शिवजी कह रहे थे कि मेरे होते मेरे नंदी की ये दशा, तो ये जो गफूर का बैल है उसे लौटा दे, काहे उस नीच का पाप आप अपने सर लेते हैं। परंतु हमारा नुकसान वसूल हो जाएगा सरकार, और वैसे भी ये कमजोर से बैल का क्या मोल, इसे नंदी समझकर मुक्त करे प्रभु, और आप मेरा मन तो जानते ही हैं। हम अवश्य सोचेंगे,
परंतु हम अपना नुकसान नहीं होने देंगे। वो अटल है। मेरा महेश बेटा आ गया। आजा 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 मेरा महेश बेटा आजा। अरे आजा आजा आजा, कहाँ चला गया था तू? देख अभी ना आ गया मेरा बच्चा आ गया। मेरे लिए कोई काम होगा मकसूद भाई? मकसूद भाई बहुत परेशान। कैसा भी काम होगा सब करूंगा मकसूद भाई। तुझे कितनी बार बोला यहां कोई काम नहीं है, तू अब जाता है या नहीं? खाना तैयार है अमीना? अब्बू वो घर में अनाज नहीं है। और ये बात तू मुझे अब बता रही है? चल पानी ला। अब क्या हुआ, पानी भी नहीं है क्या? अब्बू वो भरने तो गई थी पर उन्होंने भरने नहीं दिया। तो तू फिर से क्यों नहीं गई? सारा दिन घर में करती क्या तू? अरे पैदा होते मर क्यों नहीं गई कंजर्व? चल जा पानी भर कर ला। क्या होगा? आप लोग कौन है आप लोग? अरे कहां लेके जा रहे मुझे आप? हमने कहा था तुझे कि जेठ से पहले हमें हमारे नुकसान की भरपाई मिल जानी चाहिए। देखता क्या है धूर्त, तेरा ये बैल अब पूरे गांव के लिए घातक प्रतीत हो रहा है। आज तेरे इस बैल ने ना सिर्फ हमारी फसलों को बर्बाद किया है बल्कि हमारी लाडली बेटी को भी चोट पहुंचाई है। हरिया इसे कौड़े लगाए जाएं। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, हुजूर मत होगा हुजूर, हुजूर, हुजूर मर जाऊं, हुजूर मत होगा हुजूर, हुजूर, तू हमें जीने नहीं देगा। अब तू घर पर भी मरखल्ला होता जा रहा है। तेरी तो लेकिन अब्बू